का कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक। बैठक में सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को संबोधित किया, जहां कमेटी की बैठक में खड़गे ने नेताओं से रिपोर्ट मांगी है। कई अहम मुद्दों पर खड़गे ने अपनी बात रखी है। नफरत के खिलाफ लड़ना ही हमारा कर्तव्य है। देश के विकास और तरक्की पर हमला कर रही है सरकार। भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय जन आंदोलन बनी है। तो देखिए, बैठक कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन और खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से नेताओं से रिपोर्ट मांगी गई है। कई अहम मुद्दों पर खड़गे ने अपनी बात रखी है और इस बात को रखते हुए उन्होंने कहा है कि नफरत के खिलाफ लड़ना ही हमारा कर्तव्य है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है। तो वही देश के विकास और तरक्की पर हमला कर रही है सरकार, सरकार पर ये उनका बड़ा हमला है। भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया है अब भारत जोड़ो यात्रा। तो कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की ये बैठक, जिस बैठक में तमाम दिग्गज मौजूद रहे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में सोनिया गांधी मौजूद रही हैं, अशोक गहलोत मौजूद रहे हैं, भूपेश बघेल मौजूद रहे हैं और भी पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को संबोधित किया है। कमेटी की बैठक में खड़गे ने नेताओं से रिपोर्ट भी मांगी है और इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कर्तव्य का एहसास भी दिलाने का प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी को कि नफरत के खिलाफ लड़ना ही हमारा कर्तव्य है। देश के विकास और तरक्की पर हमला सरकार कर रही है, इस बात का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा अब किस तरीके से राष्ट्रीय जन आंदोलन बनती जा रही है, इसका भी जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे करते नजर आए हैं। तो कांग्रेस की एक खास बैठक और उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा, साथ ही साथ कर्तव्य का एहसास भी दिलाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव हुए, जो नतीजे सामने आए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी लगा कि उसको आत्ममंथन की ज़रूरत है और इसी के चलते लोकतांत्रिक तरीके से देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चुना गया। कई सालों बाद कांग्रेस पार्टी में गैर कांग्रेसी कोई अध्यक्ष पद पर तैनात रहा और इसी नेतृत्व के साथ अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपना जनाधार है वो ना भूले और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ना यही कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है। इस बात का जिक्र वो करते नजर आए जब उन्होंने बैठक को संबोधित किया, सभी नेताओं से उन्होंने बात की और बात करते हुए एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक पाथ दिखाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है कि किस राह पर आगे बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं, तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में नेताओं से रिपोर्ट भी मांगी गई। और चलिए अपडेट चलते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अहम भूमिका अब निभा रहे हैं और लगातार वो कर्तव्य का एहसास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, क्या कुछ अपडेट इस बैठक से जुड़ी हुई बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है। इसमें सोनिया गांधी ने इस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद रही और निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और जिस तरीके से हर बार की बात हमने देखा है, किस तरीके से मानसून सत्र की बात करें या इससे पहले भी जो सत्र चल रहा था उसमें तमाम विपक्षी दलों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा था, तो इस बार भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्षी दल घेर सकते हैं। ऐसे में आज शीतकालीन सत्र को लेकर कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर चर्चा भी हुआ, लेकिन एक बात सूत्रों के हवाले से पता चले कि इस बैठक में ये तय किया गया है कि किसी भी तरीके से इस सत्र को चलने दिया जाएगा। अगर सरकार विपक्ष की बातों को सुनती है, सवालों को सुनती है और उससे जुड़े हुए मुद्दे को सरकार उठाती है तो विपक्ष किसी भी तरीके से बाधा सत्र चलने में नहीं डालेगा, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात करें, अन्य मुद्दों की बात करें, जो कि पिछली बार इस तरीके से तमाम चीजें हुई थी, तो इस बार का एक बड़ा अहम मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो सर्वर
सर्वर की अगर हम बात करें उसको लेकर भी इस बार संसद सत्र जब शुरू होगा तो उसको मुद्दा बनाया जा सकता है और उसको उस पर सरकार से विपक्ष सवाल पूछ सकता है। इन सब तमाम बातों को लेकर एक जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में बनाई गई है। बिल्कुल, और समन्वय भी बैठाने की कोशिश देखिए कि मुद्दों में समन्वय बनाया जा सके कि अगर ये मुद्दे उठाए जाते हैं तो सदन जो है हंगामेदार नहीं होगा, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा। ये बड़ी बात है क्योंकि कई बार देखिए पीयूष सत्र का आगाज होने से पहले ही ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं सड़कों पर आ जाते हैं जो कि सदन में कार्यवाही को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर देते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए पिछली बार जब संसद का सत्र चला था तो कई मुद्दों को उठाया गया था जिसमें किसानों की अगर हम बात करें या पेगासस जैसे मुद्दे को पिछली बार भी उठाया गया था, उससे पहले भी जो सत्र चला था उसमें भी पेगासस के मुद्दे पर सवाल उठाया गया था और इस दौरान कई बातें देखने को मिली कि कई राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं उनको कई दिनों के लिए संसद से निलंबित भी किया गया, सस्पेंड किया गया, कई सांसदों को हंगामेदार रहा संसद का जो सत्र है। तो ऐसे में किस तरीके से संसद सुचारू रूप से चल पाए क्योंकि जनता से जुड़े हुए कई जो अहम बिल है उसको पारित करवाना है इस शीतकालीन सत्र में, तो निश्चित तौर पे एक समन्वय बनाना पड़ेगा। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक होगी जो कि आमतौर पे होती है किसी सत्र के शुरू होने से पहले, तब उसमें कोशिश की जाएगी कि समन्वय तमाम पार्टियों के साथ बनाई जाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की चूंकि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक थी जिसमें तमाम जो सदस्य स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी के मौजूद थे और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरीके से सरकार से सवाल पूछना है, क्या कुछ अहम और बड़े जो मुद्दे हैं वो हो सकते हैं जिस पर सरकार को कहीं ना कहीं घेरा भी जा सकता है। तो ऐसे में इस बार का भी संसद जो सत्र है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार होने के आसार है। ऐसे में देखना होगा कि जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष क्या कुछ मुद्दे संसद भवन के अंदर उठाता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए।